हेलो, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? यूट्यूब फैमिली मेरी कैसी है? बिल्कुल ठीक, मस्त। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं, झांझी माता की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रे आ गए हैं और इनकी स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। तो बस यहाँ पर हमारी झांझी माता लग गई है। हम दोनों देवरानी जिठानी लगे पड़े थे, तो बस यहाँ पर हमारी झांझी माता हो गई है तैयार। इनकी होती है शाम के टाइम पे पूजा और इनको भोग भी लगाया जाता है, जो कि नवरात्रि में बहुत ही मान्य है। कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है ना? फर्स्ट टाइम बनाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी झांझी मैया कैसी लगी। फर्स्ट टाइम बनाई है, सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर गुड्डू कर रहा है अपनी साइकिल की मरम्मत। पेच कसे लगा पड़ा था, बस इसे खोलने की तैयारी कर रहा था। मतलब नई साइकिल आई नहीं कि उसके सारे अंजर पंजर सब खोल के पूरी मेहनत से लगा हुआ है। बाकी की क्लिप मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन गुड्डू के पास था, तो पूरे दिन की कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो ये शाम का ब्लॉग है। उसके बाद मैंने करी है अगली दिन की, यानी कि मंडे की, पहले नवरात्रि की, उसी दिन से, क्योंकि नहीं कर पाई थी मैं शूट, फ़ोन में काफ़ी दिक्कत आ गई थी। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी मंडे का। और देखिए मौसम, बारिश से पौधे कितने हरे भरे हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने सारे कपड़े धूप में भी डाल दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश से कपड़े सूख ही नहीं पा रहे थे। तो मौसम अच्छा था तो मैंने सारे कपड़े छत पर सुखा दिए थे। और ये है शाम का, क्योंकि हमने शाम को करी थी स्थानीय मैया की पूजा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सांझी मैया की आरती, और मैं गा रही हूँ और अनु कर रही है आरती, और सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको भोग लगता है, इनकी पूजा होती है, उसके बाद ही खाना खाया जाता है। तो बैक टू माय चैनल। तो आज हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं शाम से, शाम का टाइम, सूजी हुई आँख। तो टाइम हो रहा है 8:30, टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। और पूजा हमारी झांझी माता की, अपना माता रानी का खाना, यानी कि आज है पहला नवरात्रा और उसी का खाना हम बना रहे हैं। और खाने में बना रहे हैं हम आलू की सब्जी, कुट्टू की पूड़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है, जो कि नवरात्रों में ये सब्जी एकदम प्रसाद का खुशबू ले लेती है और अलग का टेस्ट होता है खुशबू। तो चलिए यहाँ पर हम आलू छील देते हैं, बाकी उधर आलू नहीं, टमाटर और हरी मिर्च कट रही है, और इधर मैं आलू छील लेती हूँ। उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और जब खाते हैं ना, मतलब नवरात्रों में तो इनका टेस्ट ही अलग होता है, और वैसे बनाए तो अलग ही टेस्ट होता है, मतलब अच्छी नहीं लगती। सिर्फ ये सब्जी नवरात्रों में ही अच्छी लगती है। तो चलिए बनाते हैं अपनी सब्जी। तो जी, यहाँ बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी। उससे पहले मैं आलू छील लूँगी क्योंकि आलू उबाल के रख दिए थे, तो आटे में भी चाहिएंगे। तो बस सारे आलू छीलने के बाद सब्जी छौंक देंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी छौंकेंगे। यहाँ पर सारे आलू मैं जो है कटोरी से, क्योंकि काफ़ी गर्म थे, तो मैं सारे कर लूँगी, ज़्यादा बारीक भी नहीं करने, ज़्यादा मोटे भी नहीं करने। और यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाल दिया, और जीरे में हरी मिर्च और टमाटर और व्रत वाला सेंधा नमक ज़रूर डालते हैं, और कोई नमक नहीं डालते व्रत में, तो सेंधा नमक डालते हैं। बस ये तीन ही चीज़ डलती हैं, टमाटर, हरी मिर्च और नमक और आलू। और सब्ज़ी का टेस्ट तो वाह, आप खा के देखेंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, और वैसे खाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं खूब सारा पानी डाल दूंगी क्योंकि जितनी रस्सेदार होगी उतनी ही सब्जी अच्छी बनेगी। पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, और तो यहाँ पर सब्जी हमारी हो चुकी है। छके छोई छोई कर ली। हेलो कर दो सबको। हेलो हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइबर को पटा रहा है पटा रहा है।
तो अभी सब्जी पकने में थोड़ा टाइम है, फिर उसके बाद बनाएंगे पूरी। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। इतने देर तो इतने यहाँ पे सब्जी बनेगी, मैं बच्चों की बना दूंगी रोटियाँ, क्योंकि आटे का काम जितना ख़त्म हो जाए उतना सही है। बस रोटियाँ बन गई है मेरी और रसोई बिल्कुल क्लीन कर दूंगी, और अब रह जाएगी हमारे पास कुट्टू की पूड़ियाँ, क्योंकि आटा नहीं छोड़ सकते हम। छन्नी भी धोकर यूज़ करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर कुट्टू मैंने छान लिया है और थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम आलू इसमें मिक्स करेंगे। आप हरी मिर्च भी मिक्स कर सकते हैं। तो बस मैंने आलू और नमक मिक्स करा है और यहाँ पर हमारा आटा जो है कुट्टू का मंड चुका है। ये हाथों में बहुत चिपकता है तो इसे बार बार छुटाना पड़ता है, फिर सही से मंडता है। तो बस आटा हो गया है हमारा रेडी और अब बना लेंगे पूरी। इसमें चकले बिलन की ज़रूरत नहीं रहती, हल्का सा ऑयल लगा के हाथों में और ये पूरी बड़ी ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए आप भी खा लीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। व्रत का ही खाना जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और इतने हम खा लेते हैं खाना क्योंकि व्रत का हो गया है रेडी। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।